नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा। शिव पुराण के अनुसार प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सद्गुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उसके पारकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई भी पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। दीजो, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्वक बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा अनुचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए आज श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके छीन होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे मुने? इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं को तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की।
मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल्य भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए। अपने भक्त चंद्रमा से बोले, शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस 6 रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला छीन हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से उपासक के 6 तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकूट इस भूतल पर पापनाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 6 आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उपदेश से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमनाथ लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्टों को पाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नई कथा के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।